जो वोट दे रहे हो वो भी तो आ कह रहे हो कि डोटा जरूर काले जीत सी जरा मंत्री बन सी, और जो नहीं दे रहे हो वो भी कह रहे हो रे इन डाटो जे जीत को तो मंत्री बन लो। बीजेपी वाला भी जगह सामने लड़ा या सागे जगह अपने खिलाफ आ वे भी आई कार रहे वारे इन डाट ले हो बकाने तीसरी बार जीते और मंत्री बने। मैं कहते ही बहन को नहीं करूं परवाज भाई, हाँ मामन तैयार राख तू बुलाई, मैं कहते ही को नहीं करूं देखो टिकट ले रासी कांग्रेस की टिकट लेकर आसी तो भूई के कांग्रेस के सागा मन पार्टी देसी मैं सागे हूं और ने देसी भी के सागे हूं। अब बात सी आप नु जो हो लोकप्रियता को पैमानो है वो सड़का से नापियो जा रियो है। बार थी लिख दी बेरगंज की एप्लीकेशन आई वैसे पढ़नी पड़सी नहीं तो मेरे मोटा ही नाड़ी लाग गया। मने एक बात बताओ भाई, अगर मने मुंडा के विचार थे नहीं कर रहा क्यों जा तो मैं सड़का क्यों बनाऊं? और अगर मैं मुंडा के विचार के कर रहा कि जना फिर 17, 16, 17 क्यों 22 बनाओ तो कौन नेता था ना भी टाइम जनती ज्यादा से ज्यादा सड़क ले सका बस सड़क ले देगा और भी एक ही ताली बन बची विधानसभा खत्म हो जाए जिसके दिन नाम बता दीजिए पूरे राजस्थान में इकट्ठे हुए वो भी नशा को मंगाल दूंगा। 1825 करोड़ रुपए को हिसाब जिसके दिन और चुनाव में फार्म भर रहा हूं वोट मांगवा भी दिन ले लीजिए एक दिन 1 करोड़ कम से कम एक दिन 1 करोड़। आप सब लोगों के बीच में मैं 2008 से हूं क्योंकि 7 पंचायत है इसकी पंचायत समिति में मेरे को नहीं आती इले भी टाइम तो केवल परिचय हो लेकिन 2008 में थे मन आशीर्वाद दियो राजस्थान की विधानसभा में भेजो वोट चाहे 34 से ही जीत्या लेकिन थे जीता दिया और जिताया बाद में थे पीछे मुडर वोटा में कौन देखियो और मैं काम में कौन देखियो जको काम मेरे से हुयो 8 से 13 में आप एक बहुत बड़ो काम शुरुआत करी के लक्ष्मणगढ़ के मायने फ्लोराइड को पानी जहर लोग पी रहा है ओके हम मुक्ति दिलावा। पहली बार को एमएलए हो मैं लेकिन मैं एक प्रयास करियो अठिन आपने ही लक्ष्मणगढ़ से अगुण बांडे ज्यादा पानी की दिक्कत को नहीं फ्लोराइड भी कम हो लेकिन अगर आप हाथ होना चला गनेड़ी बोची कुमार भूमार किरडोली डेरगाबास नेचवा गनेड़ी तो वास्तव में जहर पी रहा है लोग बाग आप एक प्रयास करे और 1000 करोड़ रुपया 832 करोड़ रुपया की एक योजना लिया भी पानी की स्कीम लिया आज की पूरी तहसील में आज नहर को पानी आ रहे है और बी के साथ है जता काम आपने से हो सका जता विकास का करया बीच में 5 साल दोबारा मौको थे लोग राजस्थान की विधानसभा को दियो लेकिन विपक्ष में बैठवा को मौको मिलियो राजस्थान में सरकार को नहीं बनी नहीं बनी तो किसान की आवाज युवा की आवाज बेरोजगार की आवाज महिला की आवाज बच्चा की आवाज गांव के लोगों की आवाज समाज के हर वर्ग की आवाज राजस्थान की विधानसभा में उठाई और इसलिए राजस्थान की विधानसभा में विपक्ष के विधायक के रूप में होते हुए भी वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री ही और कैलाश मेघवाल जी अध्यक्षा स्पीकर हा विधानसभा का 7 आदमियों की कमेटी भी के मायने चयन करियो के लक्ष्मणगढ़ सर्वश्रेष्ठ है लक्ष्मणगढ़ सर्वश्रेष्ठ है लक्ष्मणगढ़ को विधायक नहीं लक्ष्मणगढ़ सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि थे चयन कर मन भेजो जना जात मैं बैठे आवाज उठाई और भी आवाज से एक पूरे राजस्थान में एक संदेश गयो कि लक्ष्मणगढ़ का लोग एक यहाँ के आदमी ने भेजे है जो निर्दरता के साथ में गांव के लोगों की आवाज बन भी काम न कर और 5 साल तक तारासन जी गुरु जी बात का गवाह है रामेश्वर जी भी है तमाम सारा का सारा लोग थे बैठे हो मैं नाम लेऊंगा तो समय लागेगा बिजली का है कनेक्शन की कटी बड़ी समस्या ही वो किसान खोज सको को नहीं हो आप चेष्टा करी आंदोलन करियो और एक शुरुआत हुई आज सगड़ा के कनेक्शन मिल गो और नया किसान के लिए कुआ खुद वो चालू होगा
इससे बड़ी कोई सौगात किसान के लिए कोई हो पर किसाना के कर्जे माफ के लिए भी आंदोलन करियो 50,000 की घोषणा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी करी और 50,000 की घोषणा ही बाद में जब आपनी सरकार अब काने तीसरी बार बनी तो सबसे पहली जगह किसान है मां को राज्य कोऑपरेटिव को जितो भी कर जो है वो माफ करवा को काम करियो और जगह विकास का काम है मैं आप देख रहे हो आपने के सरकारी कॉलेज को नहीं बच्चा प्राइवेट में तोदी कॉलेज में जाता या दूसरी कॉलेज में जाता या नवलगढ़ जाता सरकारी कॉलेज खुलाई बिल्डिंग बन रही है 5 करोड़ रुपया ला नरोदराला जोड़े के मायने आप एक सीएचसी ही लक्ष्मणगढ़ के मायने 5 डॉक्टर की पोस्ट हुआ एक सीएचसी में कदी एक डॉक्टर लाग तो कदी 2 लाख था कदे आधा दिन लाग तो कदे नहीं लाग तो है पार्षद मारा कालू जीर नवीन जीर सगड़ा जना नाड़ लावे बादल भाई संजीव जीर के हाँ साहब बात सही है आज 71 डॉक्टर कंपाउंडर नर्स को स्टाफ बैठे केवल लक्ष्मणगढ़ के मायने और अब कण है मौको मिलियो जब मैं क्यों साहब जिला अस्पताल बनाओ ना मुख्यमंत्री जी बोले यार हाल तो उप जिला भी कोनी बनियो बैठे बिल्डिंग कोनी बनी एक सीएससी है जगह में 20 आदमी कोनी बैठ सके डोटासरा जी थे वो जिला अस्पताल क्यों मांगो मैं क्यों साहब जिला अस्पताल ही लिए मांगू के लक्ष्मणगढ़ के लोगों ने 8 जिले की सीस चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा मिले इसके लिए नेशनल हाईवे के ऊपर गंगानगर से ले जयपुर तक कोई बड़ो हॉस्पिटल कोनी अगर सीकर को हॉस्पिटल है तो माए जानू पड़े अगर रिंगस को हॉस्पिटल है तो कोई बड़ो हॉस्पिटल नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल आना का थे स्थिति जानो ही हो इसलिए मैं आज चाहूं कि गंगानगर से ले ईश्वर ना करे कोई एक्सीडेंट हुए या कोई बीमार नहीं हुए लेकिन अगर कोई दुर्भाग्य से एक्सीडेंट हो जाए या बीमार हो जाए तो बस सब लोगों ने बस सुविधा की जयपुर में एसएमएस में मिले बस सुविधा लक्ष्मणगढ़ में मिली मैं मेरी बात न मानी जिला अस्पताल दियो जिला अस्पताल 1 अप्रैल से चालू हो जाएगो 101 डॉक्टर और कंपाउंडर 101 जगह दिन है मैं एमएलए बनियो 2008 में जगह दिन डॉक्टर नर्स कंपाउंडर को स्टाफ मिला 18 को स्टाफ हो और अब 118 उसी डीके साहब 101 कोनी है आपनी खातर 17 और ज्यादा लेसू में गए 118 करो तो वास्तव में अठिन भी हुई हो नेचर पार्क थे देखो स्टेडियम थे देखो जका काम आपने से हो सका मेरे समझ में आया मैं काम में खेच लिया है सड़क की बहुत आवश्यकता ही आपने इलाके के मायने सड़क की आवश्यकता ही जरा मैं अब कल है 5 साल सड़क में चिकित्सा के संस्थान में लगी रही हूं और आप देखो आज 753 किलोमीटर सड़क सेंक्शन हो चुकी है और बन रही है 753 और पहल काल है 8 से 13 में मैं एमएलए हो जना ट्यूबवेल टंकी मांगता ही के अलावा की गुण मांगता क्यों ठीक है ने मैं जी मंदी क्या बड़ी बड़ी टंकी है मांग ली के साथ मारा ऊंचाई में बैठे टंकी बनाओ तो पहली टंकी और ट्यूबवेल की डिमांड होती भी के अलावा कोनी बीच में 5 साल तानी विकास के लिए लोग ज्यादा कोनी किया के सरकार को नहीं लेकिन फिर भी आप 60-65 किलोमीटर सड़क भी ले आया स्कूल भी लाया और अब कल जदे तीसरी बार एमएलए बना दियो जना हर व्यक्ति के एक ही दिमाग में ही जो वोट दे रहे हो वो भी तो आए कह रहे हो कि डोटा जरो बकाले जीत सी जना मंत्री बन सी और जो नहीं दे रहे हो वो भी कह रहे हो रे इन डाटो जे जीत को तो मंत्री बना लो आई ही ने जो नहीं चाह रहे हो वो भी बीजेपी वाला बीजेपी का सामने लड़ा या सा के जगह आपने खिलाफ आ वे भी आई कार ने वारे इन डांट लियो भगाना तीसरी बार जीते और मंत्री बने अरे भाई मंत्री बने अरे अगर मैं लक्ष्मणगढ़ को विकास नहीं करूं तो दोबारा मैं लक्ष्मणगढ़ डाला से काई ले ले चू इसलिए मैं और ज्यादा जोर कर अब खाना विकास का काम कराया सड़का को जाल बिछायो पानी के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया कठी ट्यूबवेल टंकी की तो डिमांड ही को नहीं अब
अब तो जोरामर्दी जी के डोटाजरो आयोग क्यों बोलना तो शुरू, और शिक्षा मंत्री थे बढ़ा दियो तीसरी बार जितार थे, आश्चर्य कर से हो 101 स्कूल कर बोनत कर दी, 101 स्कूल, एक एक स्कूल के लिए कर्मोन्नति के लिए लोग तड़पता, एक स्कूल, दो स्कूल, चार स्कूल, पांच स्कूल से ज्यादा 101, और 100 करोड़ रुपया लगाए और स्कूल के मायने कमरा बना दिया। मैं तो आश्चर्य कर रहे हो कि साखू में एक ही कमरों की बन रही हो खटे ही पांच कमरों कम कुछ बने, इको मतलब है, इको मतलब थे सावा को निया कई स्कूल के मायने कोई कमरा बने रुपया लागे थे आगे हुआ को नहीं काम। मेरे कने मैं जाकड़ साहब बैठे है पीछे ने, सुल्तान जी के पीछे ने, ए 5-7 लोग गया काल पर सो थोड़ा सा दिन पहले के साहब गांव के मान पानी भरे जा, मैं क्यों साहब पहली मैं पहल का नरेगा में करा करू नाड़ो सड़क बनायो, ए बोले अभी मजो को नहीं आयो। मैं क्यों भाई की आवे मजो, बोले अब गण जोर को सो नाड़ो बने बढ़िया सी सीमेंटेड सड़क बने, मारे टोपो ही नहीं ठहरे गांव के घरा के कने ईसाक वाले चौक में जना मजो आवे। मैं क्यों रुपया कितना लागे, बोले रुपया तो देख लियो 20 लाख 25 लाख 15 लाख यहाँ सी करियो है, बोलिया को नहीं। मैं क्यों 35 लाख टेको जुगवांगी दोबारा समस्या पानी की रवे ही नहीं, और आज मन खुशी है कि बढ़िया सड़क है पानी की बूंद भी कोनी। वास्तव में अच्छो काम करवायो थे लोग बाग, वास्तव में ही काम की जरूरत भी ने छुए ने तो एक नयो जिलो ही कोनी बनायो बाकी छोड़ी कोनी। ने छुए में तहसील खोल दी, पंचायत समिति खोल दी, उपजिला अस्पताल अपना बजट में बढ़ा दियो, एक भी कमी तहसील एसडीएम कोर्ट बना दियो, तो बच की 18 पंचायत है बामे भी कोई काम में कमी कोनी छोड़ी, और आ पंचायत में भी कोई काम में कमी कोनी छोड़ी, लेकिन सगड़ा का सगड़ा देखे कणासी अपन मेन बिंदु के ऊपर आवे, इस सांखूर खेड़ी पंचायत में और कहीं देर जाए इस पर दिमाग लाग जाए। बार मुनीम जी करबा लगिया बीजेपी कांग्रेस मुको, मैं मेरो नाक्यो यही काटू जोरा मर्दी बीजेपी कांग्रेस करो ही मत। बीजेपी कांग्रेस क्यों ही कोनी, लक्ष्मणगढ़ के मायने थे मेरे कन आया थे मन काम बताओ, मैं जो काम हो सके भी की हाँ भरू को मैं काम करा दू, और मन आशीर्वाद देता जा रहा हो तो मन बैम करबा की खटे आवश्यकता को नहीं, मैं कदे ही बैम को नहीं करूं प्रवास भाई। हाँ मामन त्यार राख तू बुलाई, मैं कते ही को नहीं करूं, देखो टिकट ले रासी कांग्रेस की टिकट लेकर आसी तो भूई के कांग्रेस के सागा मन पार्टी देसी मैं सागे हूं, और ने देसी भी के सागे हूं, और बीजेपी की जो टिकट ले रहा सी वो बीजेपी की आपकी बात करेगो, लेकिन आपा आज राज है और आज थे मन जीता रखे हो, तो मन लक्ष्मणगढ़ के लोगों ने बीजेपी कांग्रेस कर दिशा भर में को निकलो चाहू, और विकास का काम जका हो सके विकास का काम आपा करावा। अपने आप सब समझदार है, दोनों टाइम रोटी खावे, सब पढ़िया लिखा है, सब आपके परिवार ने पाले है, मन सब ने बेरो है कि आपा नी में फायदा है ई में नुकसान है, इसलिए मैं ज्यादा वोटा की भी बात को नहीं करूं, या बीच बीच के मायने नहीं है याद दिवाती हूं भाई भूल मत जाइयो। तो मेन लो काम है पहली अठे प्रधान जी याद दिवा दियो, इसलिए मैं ज्यादा याद को दिवाणू चाहू, भगवान देव जी लाडू के दे रहा फटकारो, तो ज्यादा भाषण की बात आई है। अब साकू का लोग खेड़ी रड़ान का सारा एक ही बात के लिए राया है कि साहब मारा ए काम है, तो एक तो बीरबल जी कही है कि साहब साकू में सहकारी गोदाम के लिए 15 लाख रुपए की घोषणा करो, जचकी के सगड़ा के कर दूंगे, ग्राम सहकारी समिति के लिए 15 लाख रुपए को आपा भवन जो गोदाम है भी के लिए मैं घोषणा करूं कि 30 तारीख पहली 1 अप्रैल वाले दिन थाने 15 लाख रुपया दिया है साखू में दे देंगे थारी मर्जी। दूसरी बात है जगह युवा है डीजे के ऊपर नाचा भी है, आगे इच्छा भी है कि मारे थे
खेल के मैदान है वो सुधरनु चाहिए जाए, बीके लिए मेरे से थे 10 लाख रुपए मांगे। कहीं बहू जी ये मैं 10 ही लिखेड़ा है, पर एक शर्त है, एक बार रुक जाओ थे, एक शर्त है, जब भी मांग वाली डिमांड कराओ ने जना थे ताराचंद जी गुरु जी नहीं खड़ा करोगा, दूसरो नहीं वेलो। पक्की बात है। बहुत ही एक समझदारी से मांगिया, थोड़ा थोड़ा मांगिया, नहीं तो मैं दूसरे गाँव जाऊं तो मेरी सोलो फाड़ रख दी, दो दो पांच पांच दस दस करोड़ रुपया मांगे। तो ए वास्तव में गुरु जी बोलिया भाई दे अति नहीं तो थोड़ी थोड़ी नहीं तो ही, इसलिए मैं गुरु जी थे जत्ता पढ़िया है ना, सहमत हूं जत्ता थे जत्ता काम समय बताया है, बस सच में सहमत हूं, मैं ज्यादा लंबी कर पहुंचाऊ। अगर मैं पढ़ रही हूं तो पट क्यों लिया, वो कठेसी है मन तो दिख रही होनी वो पानी हूं के मन दियो तो हो रहा भाई, डटोरा डटोरा ने गुरु जी आ कही है आए तो लाद को एकदम टाइप कराए तो मैं दे। गुरु जी आ कही है के साहब एक तो स्कूल बंद है भी नहीं थे मारी, अंग्रेजी मीडियम की स्कूल खुलाओ तो थारी एक मन है के माए माए अंग्रेजी मीडियम की स्कूल साफ। एक गुरु जी का कही है कि बाउंड्री वाल हो चाहे खेल मैदान हो भी मैं 10 लाख रुपए दो, मैं 10 लाख रुपए एमएलए कोटे से देवा की घोषणा करूं। दूसरी बात है गुग्गा मेड़ी पर एक तो लाइट है ड्रिंक है, अरे गूगल जी महाराज उन तो सही डर रहे, तो एक बिजली की लाइन है, एसडीएम साहब एएन साहब से बात करे और तत्काल प्रभाव से इनके मायने आ लाइट हटा दीजियो जिससे गांव का जी की चावे वो विकास को काम उपभोग करे। तीसरी बात है एक हेलोजन लाइट की बात है, तो हेलोजन लाइट थे गांव का थारी मर जाओ जिठे लगाओ, मैं थाने 5 लाख 7 लाख जगह भी लागे पर मेरे कोटे से हेलोजन लाइट का फीसा दे। एक से ज्यादा लगाना चाहो जा 70-70 हजार की लाइट आवे 5-4 लगा लीजियो, और अगर एक से ज्यादा नहीं लगाओ और एक बड़ी लगाओ तो 5 लाख 6 लाख 7 लाख जो भी लागे मैं मेरे कोटे से थान दे दूंगा, थारी मर्जी हो जो तय कर लीजियो, गांव में आपस में विवाद नहीं हुआ ठीन लेवा बठीन लेवा वो विवाद था की जिम्मेदारी है मेरी को नहीं है। एक जब अफगाना बजट है भी के मायने मैं चाहूंगा कि थारे स्कूल के मायने अगर कमरा की 1-2-3 की कमी हुए तो बा मन लिखकर दे दीजियो, मैं सेंक्शन में बजट के मायने थाका करा दूंगा, आ मेरी जिम्मेदारी है, अभी मैं थे लिखी को नहीं लेकिन मैं करना चाहूंगा। अब जी मेन चीज है सड़क, अब बारसी आप जो लोकप्रियता को पैमानो है वो सड़क से नाप्यो जा रहे कि डोटा सरो कति सड़क लिया है, बजट में कति सड़क लिया है, और चीजा को नहीं पड़ रहा, हर गांव में हर ढाणी में हर खेत आड़े में हर गांव के ने हर सड़क चाहे अबार में बैठो बैठो देखो मुगो है सड़कनी कते होगी क्या करा श्या क्या नहीं करा श्या, तो बार थी लिख दी मेरे कंजी की एप्लीकेशन आई वैसे पढ़नी पड़ी नहीं तो मेरे बोटा इंडाड़ी लाग गया, वह कहते बैठेगी तो कह गार बैठेगी को नहीं कर गया। तो चूड़ी से वाया साकू एक तो खेड़ी की मांग आई है, एक साकू से कसवा की ढाणी की मांग 6 किलोमीटर की आई है, एक मिर्जवास की 1.5 किलोमीटर की आई है, एक और आई है पबनाला गेले पर बात तो पर साकू वाली बात 6 किलोमीटर यह बात भी गेले मावे तो अदबा आई है, एक बलार से मिर्जवास की मरमत चौड़ाईकरण की बात आई है, एक शेरनीपरा से वाया गुजरा की ढाणी साकू और मानगढ़ की तो है 2.5 किलोमीटर की बात है, ये अगर मैं गिनो 15-16 किलोमीटर सड़कड़ी हुए कोई ज्यादा कोनी हुए कोई ज्यादा कोनी है कोई ज्यादा कोनी है, महाराज की धरती के ऊपर है इस जगह खड़े और कह रही हूं कि एक टप्पोड़ लगा दो ईमानदारी की बात है 17 किलोमीटर सड़क बना दो। आधा तो हिस्सा जगह का खेत अच्छी नहीं आवे जगह तो बाकी सांस ही बोझ लियोगे
काट दो कड़ा कड़ा कोनी काटू कोनी काटू कोनी काटू मैं देख गया सगल सह समझे सौ ज्यादा ईसी आई है ए माता बहना ने ए के थारो गुण केड़ो है वो भी वकालत बटेड़ो है एक टपको मने एक बात बताओ भाई अगर मने मुंडा के विचार थे नहीं कर रखे हो जाए तो मैं सड़क क्यों बनाऊ और अगर मैं मुंडा के विचार थे कर रहा कि जना फिर 17, 16, 17 क्यों 22 बनाओ तो कौन नेता है तान जद में एक कार्यकाल के मायने 765 तो बढ़ा दी और हाल 150 की मेरा मन मोरू है मैं 1800 किलोमीटर सड़क बना सकूं जना मुंडा के पास तो मैं घर के मुंडा के डा दूं डॉक्टर जी एकदम सोने का सब बिस्कुट जड़ा दे सू एकदम इंटरलॉक फिर भी बोल जी फिर भी थे मनिया बता दीजो कि 5-7 किलोमीटर सड़क जरूरी है के सगड़ा जना विचार कर का ही बताओ थे सेंस के स्कूल की रिपेयर के लिए जब तो एस्टिमेट थे कार मेरे कर भेजोगा फिर सेंक्शन करा दो 10 लाख रुपया बोलते हो अब यहाँ तो बोल दो कोई कोई स्वामी तो बालाजी की बोलनी को नहीं 10 लाख 10 दे देंगा 13 लाख 13 दे देंगा 6 में हुए तो 4 मारा बचा लेंगा 6 दे देंगे स्कूल के मायने 70 रुपया को एस्टिमेट भेजेगा मैं मरम्मत का भी दे देंगा उप स्वास्थ्य केंद्र साखू के मायने मरम्मत की मांग करी है 70 रुपया को एस्टिमेट थे बढ़ा भेज दूंगा 70 रुपया थान दे देंगा और जी सड़क जी मैं बताई है आपको एस्टिमेट है एएन साहब ने मैं बाहर ही दे दूं एएन साहब ने 13, 14, 15, 16 किलोमीटर सड़क है आपको एस्टिमेट में बनाए और मुख्यमंत्री जी कर ले जैसू हाने साकू खेड़ी तो बोला ही बोला साकू खेड़ी बना तो कोई बात ही को नहीं साकू ने खेड़ी नहीं जोड़ा तो पंचायत क्यों बनाई साकू खेड़ी तो बोली यार पहली चोटी बोल दी देखो 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 सुनो मैं बोली चूड़ी वाया साकू खेड़ी साकू कसुओं की डाणी मिर्जुआस बलारा से मिर्जुआस मरमत शेनीपुरा से वाया गुजरों की डाणी साकू सगड़ी बोल दी जितनी थे बोली जितनी से बोल दी है 16 किलोमीटर सगड़ी वह तो इस 16 किलोमीटर को 3 दिन के मायने एस्टिमेट बना भेज देंगे और मैं चेष्टा करूं के अप्रैल के मायने नयो बजट जो भी चालू है वो भी टाइम जल्दी ज्यादा से ज्यादा सड़क ले सका बस सड़क ले देगा और भी एक ही ताली बन बची सत्ते पर्टिकुलर जको मन में जचारा कि अभी सड़क ने स्वीकृति की घोषणा नहीं हुए जत्ता ने मजो आ रही कोई तो भाई थाने मामा जी इसी आवे कि थोड़ी बहुत है मामा जी की है ज्यादा मांग पापरली पापरली तो भाई जत्ती इमरजेंसी थे बताई है 3-4 किलोमीटर की आज सड़क तो मैं थाने अप्रैल के माह नहीं ले देश गोविंद जी का टांगरा जिंदाबाद गोविंद जी का टांगरा जिंदाबाद गुरु जी 3-4 किलोमीटर जी जरूरी थे बताई है मैं तो मैं चाहे इकट्ठे ही ले मैं थाने अप्रैल के माह नहीं ले देश और बाकी की है जी साखू से जोड़बाड़ी है चूड़ी मियां से जोड़बाड़ी है मैं चेष्टा करूं सुनाओ पहली बांक के भी किलियो गाल दिया सगड़ा राजी हो जावे तो मैं सड़क भी बनाऊंगा इसलिए चिंता करवा की बात को नहीं और कौन कौन सी बात आई एक प्रधान जी कह रहा के साहब शौचालय स्कूल में को नहीं तो जगह शौचालय है सुरेंद्र आयडो है ना मीन एन आयडो है ना आयडो है सामने भाई सुरेंद्र जी इको एस्टिमेट बना लियो जो शौचालय पीसा लगेगा मैं दे देंगा और अगले 15 दिन 20 दिन के बाद में वो शौचालय शुरू हो जानू चाहिए जिसका गांव का कवे बैठे बनवा ली तो स्कूल चालू होगी उप स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मत की बार होगी खेल ग्राउंड का 10 लाख रुपया दे दिया लाइन अटाबा की बात कर दी शौचालय की बात कर ली एक प्रधान जी टंकी की घोषणा कर रहा कि 4 लाख की बाहु जैसी 15 लाख को गोदाम को भवन बन गो 3-4 किलोमीटर सड़क बार बना दे सिया बाकी और बना दे सिया होगी सगड़ा होगा कि काम है पशु चिकित्सा केंद्र में डॉक्टर है विधानसभा खत्म हो जाए जिसके दिन नाम बता दीजिए पूरे राजस्थान में इकट्ठे हुए वो भी नशा को मंगाल दूंगा मेरे के तो डॉक्टर है कोई नहीं कोई अंबड़ हुए तो थारे का नाम ले दीजिए फिर मैं
थारो डॉक्टर भी लगा दूंगा। कई दिनों खाली पड़ी है।